और यहाँ पे क्राउड किस तरीके का हो चुका है। यहाँ पे छक्का मार के यहाँ पे शतक पूरा करते हुए स्मिथ स्टीव स्मिथ क्या बेसा का भाई का क्या खत्म भैया मैच खत्म टाटा बाय बाय 5 विकेट गिर गए। हे दोस्तों मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है आज हमारे शहर में होने वाला वर्ल्ड कप का पहली बार मैच वो भी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। तो हम आ चुके हैं मैच देखने के लिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये दोस्तों इकाना क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे आज मैच होने वाला और ये है दोस्तों गेट नंबर 2। तो चलिए आपको यहाँ पे सारी जो पब्लिक आवाम यहाँ पे आई हुई है उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। बाकी टीम वगैरह भी आती है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी आपको अगर अभी हम लोग स्टेडियम में अंदर साइड चलेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस अभी आप सामने की तरफ देख सकते हैं ये है दोस्तों इकाना स्टेडियम का गेट नंबर 2। यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है आप सामने की तरफ देख सकते हैं। आज मैच वाले दिन यहाँ पे अभी से लाइनें वगैरह लग चुकी हैं लेकिन अभी गेट नहीं ओपन हुआ, जहाँ तक 1 बजे तक यहाँ पे ओपन होगा। और बाकी उधर साइड बॉक्स ऑफिस जो कि यहाँ पे बंद है प्रेजेंट टाइम में, जो अभी टिकट्स वगैरह मिल रहे हैं वो प्लासियो मॉल में मिल रहे हैं, लुलू मॉल में मिल रहे हैं और जो एडिडास के यहाँ पे स्टोर वगैरह है वहाँ पे आपके मिल रहे हैं। और वहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे भी आ चुके हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के फैन। तो भी आप कहाँ से आ रहे देखने के लिए? हैं लुधियाना से। अच्छा मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में, तो आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट में? अच्छा आज ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं आज वाले मैच में जी। तो चलिए मिलते हैं अंदर की तरह। ऐसे आपको यहाँ पे फैन फॉलोइंग देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। जैसा अभी उन्होंने बताया कि उनकी जो सिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं लेकिन रहने वाले लुधियाना के, तो वो आज ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर। और हमारे साथ हमारे भाई आशु भैया जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ भाई बस कोशिश कर रहे हैं भाई। देखो साहिल अच्छा वीडियो बनाता है भाई, तो इसके चैनल पे सपोर्ट करो और भाई इसकी वीडियोस को देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो जी। अच्छा कंटेंट भाई। तो अभी चलते हैं, अभी हम लोग ने मतलब टिकट भी नहीं परचेज किया, तो अभी मेरा टिकट मेरा दोस्त लेके आ रहा है तो उसके साथ चलेंगे। अभी हम लोग अंदर साइड एंट्री वगैरह करेंगे और आइए अब आपको हम मिलाते हैं यहाँ के सुनील नारायण से। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे यहाँ के गेट नंबर 5 की तरफ जहाँ से हमारी एंट्री होने वाले और वहाँ पे हमारे एक भाई भी खड़े हुए हैं, तो चल के आपको उनसे मुलाकात करता हूँ। और मतलब आज क्राउड काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला, जैसे आईपीएल वगैरह होता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता था लेकिन आज तो काफ़ी कम क्राउड देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको बता दें क्योंकि इंडिया का मैच है नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, और जो भी लोग आएंगे वो शाम के वक्त आएंगे तो इसलिए काफ़ी कम क्राउड देखने को मिल रहा है। बाकी अभी स्टेडियम में देखते हैं कितना क्राउड होता है और शाम के वक्त कितना क्राउड होता है, अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करिए। करते हैं यहाँ पे कुछ हमारे साउथ अफ्रीका के फैन देखने को मिल रहे हैं। तो हेलो मैम, सो यू आर यू सपोर्टिंग टुडे साउथ अफ्रीका? आर यू स्पेशली कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया? सो यार वी आर एट अ कॉन्फ्रेंस एंड देन वी एक्सटेंडेड द डेज टू वॉच द क्रिकेट। ओके दैट्स ग्रेट। सो इट्स सो नाइस टू बी हियर। या वंडरफुल कंट्री। या या देख रहे हैं भाई को हमारे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कंट्री एंड एंजॉय योर मैच। थैंक यू। कैन आस्क यू डू नाउ व्हिच साइड इज द ईस्ट ब्लॉक टू एंटर? ये पीछे। तो दोस्तों जिन भाई साहब का हमको इंतजार था वो हमारे भाई हमारा टिकट लेके आ चुके हैं, तो ये रहा हमारा टिकट। और अभी चलते हैं यहाँ पे हम लोग लाइन में लगता। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई है ना, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बॉलिंग ले चुकी है और अंदर साइड अभी नेशनल एंथम हो रहा है, तो आइए जल्द से जल्द चलते हम लोग अंदर की तरफ। तो ये रहा अपना गेट नंबर 5 और अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। भाई हमारे लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी पहन के हैं एलएसजी की, यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम भी अपने इंडिया की जर्सी पहने हुए हैं। बस जल्द से जल्द चलते हैं अंदर की तरफ, अभी नेशनल एंथम हो रहा है और हम लोग बहुत सही समय पे आ चुके हैं। बस ये रहा हमारा टिकट और टिकट वगैरह चेक हो चुका है, तो बस अब हम लोग को मिल चुकी है स्टेडियम के अंदर एंट्री यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे हमको मिल चुकी है भाई साहब एंट्री और आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड का, और स्वागत होता है फ्री का पानी का, क्योंकि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह वायरल हो गई थी, पानी काफी महंगा मिल रहा था, तो यहाँ पे तो एकदम फ्री में पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ और ये रहा आपको स्टेडियम का व्यू भाई साहब, कुछ इस तरीके का, धूप सीधा मुंह पे पड़ रही है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करा रही है और यहाँ पे भाई साहब ये है कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्राउड,
और धूप जो है वो सीधा मुंह पे पड़ेगी आज। तो अभी हम आके अपनी सीट पे यहाँ पे बैठ चुके हैं हम और हमारे भाई जो हमारे साथ आए हुए जस्ट हमारे अजय भैया यहाँ पे बैठे हुए सर निखिल भैया बैठे हुए। तो अभी ऊपर हम लोग इसलिए बैठे क्योंकि नीचे भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा धूप लग रही थी, तो हम लोग ऊपर आके यहाँ पे बैठ चुके हैं। बाकी जो हमारी सीट है दोस्तों वो यहाँ पे नीचे की तरफ है और बाकी अभी यहाँ पे अपील होती हुई और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का काफ़ी अच्छा लग रहा है देखा। और स्कोर की बात करें तो अभी 11 रन हुए हैं 4 ओवर की गेंद पे। बॉलिंग करा रहे हैं जॉश हेजलवुड। तो चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ और नीचे चल के आपको हम स्टेडियम का नज़ारा दिखा देते हैं। और यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं, अभी कैमरा मैन आ रहा और यहाँ पर पब्लिक देखिएगा कितनी ज़्यादा उत्साहपूर्वक यहाँ पर अभी पब्लिक उछलेगी और ये आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का माहौल है पूरे स्टेडियम का। ये देखिए ये ओ भाई साहब यहाँ अभी आप देख सकते हैं भाई साहब पीछे की तरफ मारे तो और वो गेंद यहाँ पे भाई साहब लगा अच्छे कैच है अच्छे लेकिन चौका चला गया यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे अभी एक विकेट गिरता हुआ तैंबा बामुआ का यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे क्राउड कुछ इस तरीके का हो चुका और यहाँ पे नीचे की तरफ भांगड़े वगैरह बजने चालू हो गए आप देख सकते हो। और वहाँ पे हमारे बामुआ सर जाते हुए अपना पवेलियन की तरफ उनकी जो पवेलियन है वो आप देख रहे हो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आउट हुए 35 रन बना करके यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे हो चुका है डिकॉक का शतक। ओ भाई डिकॉक डिकॉक यहाँ पे छक्का मार के यहाँ पे शतक पूरा करते हुए तो भाई सभी हम लोग मतलब देख ही रहे थे कब छक्का पड़ेगा और वो छक्का पड़ चुका है यहाँ पे डिकॉक के 100 रन पूरे होते हुए और ग्राउंड का माहौल कुछ अलग होता हुआ। और अभी यहाँ पे दूसरी गेंद है देखते हैं क्या होता है इस गेंद पे। तो भाई साहब यहाँ पे अभी एडन मार्करम के होने वाले है 50 रन चौका मार के यहाँ पे 50 मारते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हुए सामने की तरफ ये आप देख सकते हैं वो भाई हो गया और यहाँ पे जश्न का माहौल और हम भी ब्लॉग शूट करते हुए तो आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे शतक मार के गए हमारे क्विंटन डिकॉक और अभी यहाँ पे 50 मार दिया एडन मार्करम ने। तो कैसा लग रहा है मैच? लेकिन पता है क्या जब हम लोग आईपीएल देखने आते तो उसमें मजा आते थे लगता था लेकिन फीका फीका लगता था जब फीका पब्लिक भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ नहीं भरी हुई है बल्कि अभी तो शाम का वक्त है मतलब फर्स्ट इवनिंग कम्प्लीटली होने वाली लेकिन पब्लिक उतनी है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे भाई यहाँ पे पोस्टर लेके आए हुए कैमरा मैन जल्दी फोकस करे। तो क्या नाम भैया आपका? सारिफ। तो भाई का नाम हमारे सारिफ है और यहाँ पे कैमरा मैन जल्दी फोकस करो और वो रहे सामने की तरफ कैमरा मैन मैक्सवेल मैक्सवेल निका भाई क्या क्या भाई साहब यहाँ पे आखिरी के दो ओवर में छक्के छक्के पड़ते हुए और यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं ये देखिए भाई। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हो चुके हैं 49 ओवर में 310 रन और बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे डेविड मिलर और जैनसन। तो अभी हम आपको दिखाते हैं अभी एक ओवर बचा हुआ है तो मतलब इसमें चौके छक्के पड़ने ही पड़ने और कुछ ग्राउंड का इस तरीके का यहाँ पे तो भाई साहब तो यहाँ पे सामने की तरफ डेविड वार्नर फील्डिंग करने आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्नर 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 भाई यहाँ पे जो अभी आप सामने और यहाँ पे एक और विकेट गिरता हुआ और यहाँ पे हमारे भाई आपको भाई साउथ अफ्रीका का सपोर्ट कर रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे साउथ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हो चुकी है इवनिंग फर्स्ट इवनिंग कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे सारे प्लेयर जा रहे हैं अपना ड्रेसिंग रूम की तरफ आप देख सकते हैं ये रही हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम और वहाँ पे मार्कस स्टोनिस स्मिथ स्टीव स्मिथ यहाँ पे सामने की तरफ ये आप देख सकते हैं स्मिथ
भाई सभी सामने की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे शेन वॉटसन आते हुए जस्ट सामने की तरफ यहाँ पे वॉटसन 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 तो आप दोस्तों आप सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग भाई लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप फोटो वगैरह देख सकते हैं कैसे खींची जा रही है यहाँ पे अलग खड़े करके, उधर से पब्लिक खड़ी है, इधर से पब्लिक खड़ी है बस एक फोटो के लिए। दोस्तों अभी यहाँ पे डेविड वार्नर का विकेट गिरता और विकेट किसने लिया है, कैगिसो रबादा जी ने यहाँ पे विकेट लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 रन बना के यहाँ पे आउट होते हैं और ग्राउंड का जो माहौल है वो काफी लो होता हुआ और हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए आप देख सकते हैं, तो काफी सन्नाटा होता हुआ ग्राउंड में और इधर साइड तो खुशियों का माहौल इसलिए क्योंकि कैमरामैन जस्ट ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कर रही है मतलब वो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, 14 ओवर हो चुका है और 60 रन पे यहाँ पे 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुका और एनर्जी अब बची नहीं क्योंकि हम घर से निकले हुए थे 11 बजे और स्टेडियम एंट्री वगैरह किए हैं दोस्त 2:30 बजे के बीच में, तो उससे अब एनर्जी बची नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन जितना भी दिखा रहा हूँ ना वो सब इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे लाबुशाने और मैक्सवेल, तो अभी जैसे ही छक्के चौके पड़ते हैं तो मैं खत्म भैया मैच खत्म टाटा बाय बाय 5 विकेट गिर गए यहाँ पे, तो मन यही हो रहा है कि अब यहाँ से अब हम निकल लें अपने घर के लिए, मतलब मजा ही नहीं आ रहा, ऐसे लग ही नहीं रहा कि आज हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं। और यहाँ पे एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे मैक्सवेल का, तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि अब हमें निकलना पड़ेगा भैया अब यहाँ से घर के लिए, अपने बहुत देख लिया हमने वर्ल्ड कप। दोस्तों अभी यहाँ पे DRS टाइम फिर से आ चुका और अभी DRS ले लिया गया साउथ अफ्रीका की तरफ से, अगर फिर से विकेट गिर जाएगा तो समझ लो मैच फिर यहीं से खत्म हो गया, 70 रन पे 6 विकेट हो जाएंगे। और अभी से पब्लिक देख सकते हैं बाहर की तरफ जाती हुई आप देख सकते हैं, दोस्तों अभी आप सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं हमारे जॉनसन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और अभी देखते हैं, अरे यार मजा नहीं आ रही मैच देखने में। तो दोस्तों जैसे कि आज के इस ब्लॉग में आपने देखा हम देखने के लिए आए हुए थे वर्ल्ड कप पहली बार, मतलब लखनऊ में भी पहली बार हो रहा, तो यहाँ पे आज हम आए हुए थे और मैच तो वैसा रहा नहीं, फर्स्ट इवनिंग में तो मैच लगा कि हाँ मैच हो रहा लेकिन सेकंड जो इवनिंग हुई वो बहुत ही बेकार रही, टाइम ऐसा लगा नहीं हो रहा, तो इसलिए अब हम चलते हैं यहाँ से अपने ब्लॉग में, यहीं से हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।